बहुत ही सत्कारयोग श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिबान जथेदार हरप्रीत सिंह जी तख्त श्री पटना साहब दे जथेदार साहिबान जथेदार यानी रणजीत सिंह जी और सारा ही सत्कारयोग संत समाज गुरु प्यारी साध संगत जी गज वज के फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत वधाई सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत नू लख लख करोड़ करोड़ वधाई अज दे इस विशेष महान दिहाड़े दी जिवें कि मेरे तो पहला सिंह साहिब यानी हरप्रीत सिंह जी ने बहुत ही विस्तार रूप अंदर आप सब नू ये जानकारी दित्ती क्योंकि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो पिछले सिंह साहब मैं आपनों दो तीन गल जानकारियां और सारे अज महापुरख साहिबाना नू देना चाहना है। खास तौर पर मैं बहुत पहला धन्यवाद कर दिया सारियां दा अज दे इस विशेष उपराले दे वास्ते जथेदार बाबा कश्मीर सिंह जी कार सेवा वाले पूरी वाले साढ़े बहुत ही अति सत्कारयोग संत बाबा बचन सिंह जी दिल्ली दियाँ महान सेवावान देश दियाँ महान सेवावान जो निभा रहे ने और सारा ही इत्थे पहुँचा हुआ संत समाज। मैं बाबा जी आप जी नूं दो तीन बहुत सारी संगत नूं मैं माफ़ी चाहुंदा मैं नामां दे थोड़ा जिहा नहीं पैना चाहुंदा प्रक्रिया लंबी हो जाणी इस करके क्योंकि जदों सिंह साहब दा नाम आ जाए और मेरे तो पहला रमीत जी ने सब दे नाम लैके सिंह साहब साडे लई जदों असीं दो साल पहला इस गुरद्वारा कमेटी के प्रबंध नूं संभालिया बहुत चुनौतियां भरे हालातों के अंदर असीं इस काम नूं संभालिया सी। चुनौतियां हर तरह दियां सी अंदरों भी सी बाहरों भी सी लेकिन कौम नूं हमेशा ही चुनौतियां रहियां ने। एक गल आपां नूं समझण दी लोड़ आ कि असीं गुरु साहब की रहमत और बख्शिश सदके गुरु साहब ने यह शेरां की कौम बनाई आ तां ही आपां नूं सिंघ दा नाम दे के इन्हां शेरां नूं सिंघ दा नाम दिता है। अज दुनिया के अंदर जंगल के अंदर भी अगर सब तो घट किसी की गिनती और चिंता की जाती है तो वह भी शेर ही आ। इस तरह दुनिया अगर घट गिनती के लोग आते वही शेर ही ने पर शेरां नूं रोज नित नवियां पैंदियां भी ने। और बाबा जी जिहड़ी मैं तुहानूं बेनती करन लगा सी क्योंकि जिहड़ी साडी शेरां दी कौम आ ना कई वार साढ़े बहुत सत्कारयोग हस्तियां बैठिया ने और संगत भी सारी सुनती आ कई वार ना असीं ढेंदी गल कह दिंदे आ भी ओ जी साडे नाल ही इस तरह क्यों हुंदा है साडे नाल ही इस तरह क्यों हुंदा है। पहली गल यह आ कि जिहड़ा शेर आ वह जंगल का राजा है। जंगल का राजा शेर है असीं कहिंदे आ पर यह किसी किताब च लिख के तय नहीं कर दिता गया भी जंगल का राजा शेर आते भी तय करता तो जंगल के राजे एक सर्टिफिकेट देता भी अज तो बाद तू आ भी चुन के आया कि कोई शेर जंगल का राजा वोटा के नाल नहीं बन के आया कोई शेर जंगल का राजा उत्तों फरमान लेके भी नहीं आया कि मैं ही राजा रहना तो सारे जानवर मैनू राजा मनणगे नहीं। जंगल का राजा शेर इस करके आ कि रोज शेर अपनी दहाड़ नाल और अपनी ताकत नाल जंगल नूं रोज महसूस कराउंदा है कि तुहाडा राजा मैं आ ते मेरे अगे तुसीं कुछ नहीं सकदे। इसे तरह खालसे नूं भी रोज याद कराउणा पैंदा है भी ये शेर असीं आ साडे सिरां ते दस्तारां सजा के साडे नाम दे पिछे सिंघ लगा के सानू शेर की उपाधि इस करके नहीं दिती भी असी चुप चाप जाके घर च सौ जाइए इस करके दिती आ कि जो जो मानवता ते लोड़ पवे दहाड़दे होए शेरां दे वर्गो उत्थे नित्तरना इस करके सानू उपाधि गुरु साहब ने दिती आ। साडे नाल रोज नित नवियां बीतदियां ने पर यह सारिया गल्लां दे नाल तुसी देखो गुरु की अपने सेवकां ते कृपा किन्नी आ। अज दुनिया अगर सिमरन पक्षों मनदी आ ते सिखां नूं मनदी आ कहिंदे इन्हां तों वधिया कोई गुरु की जस गायन नहीं कर सकता जिस तरीके नाले जस गायन करते हैं उस परमात्मा की उपमा वड्याई करते इस तो बेहतर तरीके नाल कोई मानवता की दुनिया च नहीं कर सकता। फिर गल आ जाती सेवा की कहिंदे जी सेवा दे अंदर कोई ना ही कहिंदे कोई सेवा दे अंदर सिख वर्गी कोई सेवा कर सकता असीं नहीं कहिंदे कहिंदे ही अपनी गल
पर अज दुनिया के लोग कहिंदे ने वड्डे वड्डे मुल्कां दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिन्ने लोगों नूं लोग सुणदे ने उह सुणन वाले लोग इक्को गल कहिंदे ने भाई सेवा ते इह सेखी कर सकदे ने। फिर आ गई गल शमशीर दी, चाहे सिमरन होवे चाहे सेवा होवे चाहे मजलूमां ते होरे जुल्म दे खिलाफ शमशीर चुकनी होवे उह वी खालसे दे हिस्से आई आ। पर आ देखो तुसीं इही कारण आ अज देश दे अंदर जिथे सेवा दे अंदर इस दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने गुरुद्वारा बंगला साहब तो गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो नानक प्याऊ साहब तो मोती बाग साहब तो सेवा दे अंदर पूरी दुनिया नूं ये दस दिता। तुसी सारे नैशनल चैनल देखते सी रोज, पूरी दुनिया च अपनी चर्चा हो रही सी, पूरी दुनिया के अंदर दस्तार नूं लोग सलाम कर रहे सीगे और सिखां नूं लोग देवता कह रहे सीगे। इसे तरीके जदों कौम की लड़ाई की गल आई उदों भी दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपने उन्होंने भरावान के नाल लाके खड़ी हुई। सिंह साहब अज मैं तुहानू जिहड़ी गल वास्ते मैं शुरू की सी अज साडे लई एक बहुत वड्डी सोचण दी गल आ। दिल्ली दे अंदर जो 26 जनवरी नूं होया उस तो बाद 29 जनवरी नूं जितना सरकारां ने सानू उत्थों उठाउण वास्ते कुछ हरकतां करनियां शुरू कीतियां और दिल्ली का माहौल इन्ना गंदला करता इन्ना डरावना कर दिता उस वेले आ केवल और केवल मात्र मैं अज सारिआं नूं जनतक तौर ते गल याद करवाउणा चाहुंदा हां मात्र एक संस्था सीगी दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जिहड़ी अपने उन्हां भरावां दे नाम ते भी नितरी जिन्हां नूं बेकसूरिआं नूं जेलां च बंद किया जा रहा सी जिसने निशान साहब की गल नूं फकर नाल इह गल कही कि मत उस लाल किले की गल करो ओ लाल किला जुल्म दा स्थान आ ओ पूजा दा कदी स्थान नहीं सी उस लाल किले दी कदी इज्जत ही नहीं सी जिस दी तुसी बेइज्जती दी गल करदे जे ए निशान साहब केवल केवल मानवता नूं बचाउण वाला ए निशान साहब जाके लाल किले सामने दर्शन करो गुरुद्वारा सीसगंज साहब दे झूल दे निशान देखो जिन्हां दे करके अज तुहानूं इन्हां मंचां ते आके खलोण दा मौका मिलिआ है पूजण योग गुरुद्वारा सीसगंज साहब नत उत्थे नभाओ। सिंह साहब साडे दिल्ली चो कोई नहीं बोलिया, दिल्ली तो छड्डो देश कोई नहीं बोलिया, किसे जथेबंदी दी उस वेले हिम्मत नहीं पै रही सी। सारे ने दो गल्लां कहियां, पता की मुंडे बंद हो गए टीवियां ते चर्चा शुरू हो गई, कहिंदे जी की हो गया, कहिंदे सानू कोई मतलब नहीं, सानू नहीं पता उहनां नाल गल करो, यह शरारती सी, यह कांग्रेस फलानी पार्टी दे सी, उधरों दे सी उधरों दे सी। असीं कहा ना, यह साडे सिख वीर ने, हर सूरत अंदर अपने परिवार नाल खड़ांगे। जे अज इहनां नूं छड्ड दित्ता ये लोग अपने मां बाप ने तोरिया सीगा भी जा पुत तू भी किसानी च जाके खड़ा हो, की कसूर इन्हों का अगर पुलिस ने चुक के बेग उन्होंने अंदर करता तो असं अपने भरावान का साथ छड़ दिए। कोई बोलन नूं तैयार नहीं सी, उदन असं टीवियां ते आके रौला पा के अपने भरावान दे नाल खड़े हाँ, जेल च भी खड़े हाँ, जमानतां भी करावांगे तो बाहर भी जेलां तो लैके आवेंगे, रोक ले जे सरकार रोक सकदी अपने भरावान दे नाल खड़े हाँ। आ कमेटी नूं डंडा टके आवाज लाई, कोई देश का बंदा आवाज नहीं बोल रहा सी। मैं तुहानूं याद करवाउणा चाहुंदा कोई भी, मैं किसी एक नूं नहीं कह रहा पर मैं समाजिक जनतक तौर पर कह रहा है, कोई जत्थेबंदी कोई संस्था इस गल नूं नहीं कह सकती कि उदन किसी ने आवाज लाई होवे सिंह साहब तुहाडे बच्चों ने, क्योंकि साढ़े ते श्री अकाल तख्त साहब की रहमत और बख्शिश आ, असी उस अकाल तख्त साहब की ताकत के अंदर विश्वास रखते हैं जो कि सारी मानवता नूं ताकत देने वाला ऐसा सोमा है जिसने भी श्री अकाल तख्त साहब की सर्वोच्चता के अगे सीर झुकाया है उसनों मालिक ने इस करके कृपा की आ और कौम वो खड़ी हो। असं आप जी ने अकाल तख्त साहब के दिखाए रस्ते से डट के खड़े हो और सिखां दे नाल जाके पहरा दिता जदों लोग डर गए सी। दूजी गल सेवा की गल, अज देश के अंदर हर कोई आदमी मजबूर कर दिता, उही टीवी चैनल जेडे आपां बदनाम कर रहे सी, चैनल याद कर लो असी जनतक तौर पर अनाउंस किया हफ्ता रुक जाओ मानवता दियां फिर वह जी सेवावां चल रही ने, जेडे लोग तुहानू लंगरां वेले कहिंदे सी देवते ने अज तुहानू माड़ा कहण दी कोशिश कर रहे ने, देश दे लोगों नू सवाल पुछ रहे सी भी इन्हां टीवियां ते तुसी चार महीने पहलां ते देवता कह रहे सी इन्हां नू, अज ये गलार हो गए, अज एक देश दे खिलाफ हो गए। असी कहा एक हफ्ता रुको, इन्हां लोगों नू टीवियां तो रौला पा पा कहना पऊगा भी सिख देवता ने। सिंह साहब जिद्दण असी वह हॉस्पिटल खोलिया मानवता की सब तो वड्डी सेवा, एक इंसान नू केवल तीन दिन की जान मिलती है एक डायलिसिस नाल, आप उहदा दर्द समझ के देखिए। बहुत लोग पूर प्रचार करते हैं केवल और केवल गुरु के घर बदनाम करते हैं लेकिन उन्होंने मन के अंदर गुरु के प्रति ना सत्कार आ ना प्यार आ, कुर्सियों का प्यार आ, कुर्सियों का भी कुर्सियां ते बात। एक इंसान नू डायलिसिस की आ,
डायलिसिस की एक मशीन इंसान नूं 3 दिन दे साह दिंदी आ, 3 दिन बाद उन्हूं दोबारा उस मशीन दे कोल आके बहना पैंदा वी दे मैनूं अज फिर साह नहीं तो मैं मर जाणा। इह आ डायलिसिस। आपां सोचदे आ कि रहिआ वी है नहीं, इह आ डायलिसिस। अज तुसीं देखो जिहड़े लोग उत्थे आउंदे ने उन्हां दे कदी मैं कदी किसी की वीडियो चलाउंदा नहीं, पर मैं जरूर चंगो उत्थे आके देखियो जे जिस तरह लोग रो रो के आके कहिंदे ने इह देव तो बचा लिया जे सानूं, असीं मर जाणा सी, साडे कोल घर भी विक गया, साडा मकान, साडे कोल कुछ भी नहीं सी, बस एक आसरा लैके आए सी भी हुण रब दे घर च खुल गया है, हुण शायद साडी जान बच गई, साडी जान बच गई। इस तरह की सेवा और टीवी चैनल कहण नूं मजबूर हो गए, उही चैनल जिहड़ा मारा कहिंदे सी फिर कहण लग पए अगर सेवा देखनी है तो सिखों की देखो, सेवा देखनी है तो सिखों की देखो। अज जिस काम नूं असीं आए हां इह कहना बहुत सौखा है, सानूं रोज वह नंगी शमशीर ते चलण नूं मजबूर किया जाता है, ऐसे ऐसे सारा दिन कार्ज विरोधियों वालों किए जाते हैं जिन्हों का केवल एक परपस हुंदा है भी गुरु घर बदनाम हो जाए, किसी तरीके गुरु घर बदनाम हो जाए, एक ही टीचा है होर कोई नहीं। पर असीं भी गुरु के सिख गुरु तेग बहादुर साहब का ओट आसरा लेके बार बार जनतक तौर पर कहिंदे आ, अज फिर कहण लगे जदों तक इस मालिक का सहारा है, जदों तक इस मालिक की कृपा है, लख कोशिशां दुश्मन कर लैण पर मेरे मालिक दे अगे किसी दा वस नहीं चलना, बस एक ही कृपा है मेरे मालिक दी, इह साडे ते सच्चे पातशाह तरस खावे, इह साडे सिर दे उत्ते अपना मेहर प्रयास रखे, बाकियां दी सानू किसी दी कोई परवाह नहीं। अज जो तुसीं देखण जा रहे जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा छपाई दा केंद्र जिहड़ा इह जो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रैस है, और उही नहीं जिवें जदों तुसीं देखोगे कि मेरे मालिक दा संभाल दा अदब किस अदब नाल होना चाहीदा है, किस सत्कार नाल होना चाहीदा, किस भाव नाल होना चाहीदा, उसकी एक एक चीज बरीकी दे नाल इस गल की चिंता की गई कि यह मेरे मालिक के चरणों के अंदर जदों भी कोई सीस आके चाहता है उसका सत्कार उस मालिक के मन के अंदर वसदा है, वह रब वसदा है, वह दिखना चाहीदा है। अज तुसी जदों जाके उत्थे दर्शन दीदारे करोगे तुसी महसूस करोगे कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी किस तरीके मानवता की सेवा से पहरा दे रही है। और दूजा महान शहीद जंग सिंह जी दे अज असीं उन्हां लोगों नूं याद करते हैं, पर सानूं इस गल का अफसोस आ कि उन्हां नूं याद अज नहीं बल्कि उदों तो ही करना चाहिए सी, जे इन्हां महान शहीदां नूं आपां भुल जावांगे अपना अपना विरसा ही भुल जा फिर आपां कुछ नहीं, अपने हिस्से शहादत आई आ। दिल्ली दे अंदर मैनूं देखो, मैनूं 32-34 साल हो गए ने, पर 50 साल का इतिहास 100 साल का इतिहास सामने पिया है बाबा जी, कोई एक भी ऐसा केस नहीं जिहदे अंदर सिख तो अलावा यह शहीदी किसी के हिस्से आई हो, शहीदी भी सिख के हिस्से आँदी आ, क्योंकि सिख बेइंसाफी के अगे सीस नहीं झुका, बेन्याई के अगे सीस नहीं झुका, और जुल्म नूं बर्दाश्त नहीं करता। भाई जिहड़े है ही डंगरां वरगू जिन्हां रहना है, जिन्हां भेडां बकरी वरगू तुरे फिरना है, जो मर्जी डंडा मारे उधर नूं तुर पैना है, उन्हां नूं भाई शहादतां की लोड़ पैंदी नहीं, उन्हां नूं कदी शहादत की लोड़ पैनी। इस करके शहादत की लोड़ भी साडी आ, क्योंकि बेइंसाफी नहीं बर्दाश्त करते। अज हुक्मराना के तख्त जिडे मर्जी वड्डे होण, जिन्नी मर्जी ताकतर सत्ता दे जोर ते आए होण, पर गुरु दे सिख दी भी हिम्मत देखो, गुरु तेग बहादुर साहब दे दर ते खलो के उन्हां दे सिख गरजदे ने, आ अद्धा किलोमीटर दूर दी अद्धा परलांग दूर सुणदे पए ने, पर असीं चला चला के रौला पा पा के कहिंदे आ, और अज फिर कहण लगे आ तुहाडा तख्त झूठा है, ये तख्त सच्चा है, जिहड़ा इस तख्त दे आके सीस चुकाऊगा उहदी ते दुनिया च चढ़दी कला होगी, जिहड़ा तुहाडे तख्तां ते आके सीस चुकाऊगा उह तुहाडियां सेवावां च आके सीस चुकाऊगा, उहनूं ट्रे फड़ के चाह मिलण दा पलाउण दा मौका ते मिल जाऊगा, दरबारी बनण दा ते मौका मिल जाऊगा, पर कौम दी सरदारी करन दा मौका उस गदार नूं कदी मिल नहीं सकदा जिहड़ा सरकारां दे तख्तां ते जाके सीस चुकाउंदा है। सीस चुकाउणा है ते मेरे मालक दे सच्चे चरणां च आके चुकाओ। अज इसे करके उन्हां महान जंग सिंह जी वर्गे शहीदां नूं असीं याद कर रहे हैं। और मैं अंत अंदर एक गल कह के साडा भाई रणजीत सिंह साहब वह भी कोर्ट तो इतने आ रहा है, मैं उन्होंने कहा मैं सिंह साहब अज इतने आए ने वो फेर दे चले ने उतों, जिस रणजीत सिंह ते तशद्दत हुई इन्नी तशद्दत सह के भी उस मुंडे की जज्बा देखो, जेल चो निकलिया अपनी माँ नूं पहला संदेश दिता सी अपने भरा नूं कि मैं जो जेल चो बहर आना मेरी श्री साहब और मेरे ककार लैके आयो जे, मैं जेल तो बहर उस श्री साहब न निकल के जाना जिहड़ी श्री साहब करके मेरे गल नूं पए सी, मैं श्री साहब तो बड़ा निकलना नहीं, बहर जकारे लाउंदा आया और उस श्री साहब दे नाल और हजारां दी तादाद दे अंदर असीं पहुंच के उहदा स्वागत करके देश दी सरकार नूं चेतावनी दे के क्या ललकार के असीं अपने शेरां दे नाल खड़े हां, तुहाडे भेडुआं ने
ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਡੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਡੂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚੱਕਿਆ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।